तो एसक्यूएल के अलग अलग टाइप है, या कहेंगे स्टेटमेंट के टाइप है, एसक्यूएल के स्टेटमेंट के अलग अलग टाइप है। जैसे आपको डेटाबेस बनाना है तो आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलेंगे या स्टेटमेंट बोलेंगे। आप बोलेंगे कि मुझे मॉडिफाई करना है तो वही एसक्यूएल के स्टेटमेंट कहलाने लगेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आप बोलते हैं मुझे यहां से यहां ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ट्रांजेक्शन आप जब यहां से पैसा भेज रहे हो, यहां से कंटेंट भेज रहे हो कहीं और बीच में कोई दिक्कत आ जाती है, बीच में कोई लाइट चली जाती है या फिर कुछ सर्वर बैकग्राउंड होता है, तो आपने पैसा ट्रांसफर किया यहां तो से कट गया वहां नहीं पहुंचा। आपने देखा आपके एटीएम से जब पैसे नहीं निकलते हैं तो आप आराम से पता लगा सकते हैं या फिर रिट्रीव कर सकते हैं उसको, ये कैसे होता है, क्योंकि वहां पर कंट्रोल हो रहा है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल हो रहा है। सेशन, आप किसी एक सेशन पे है, आपको बोला जाता है कि देखिए ओटीपी आया 10 सेकंड के लिए वैलिड है, तो सेशन कंट्रोलिंग हो रही है। सिस्टम कंट्रोल स्टेटमेंट है हम इसमें, और एम्बेडेड एसक्यूएल स्टेटमेंट यानी कि आप सी के अंदर, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग के अंदर आप एसक्यूएल के कोड डाल सकते हैं, एसक्यूएल के स्टेटमेंट डाल सकते हैं, राइट। हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे DDL और DML स्टेटमेंट। तो DDL स्टेटमेंट क्या होते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL या डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये वो कमांड होते हैं जो एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। डेटाबेस का कैसा स्ट्रक्चर होगा ये DDL का काम है, यानी कि आप एक टेबल बनाएंगे, जैसे क्रिएट टेबल में बोल रहा था तो DDL से होगा वो। आपको स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है टेबल का, ध्यान रखिए आप टेबल के लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग, हम रिकॉर्ड लेवल पे नहीं गए अभी, हम टेबल लेवल पे बात कर रहे हैं कि टेबल बनाना है, टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करनी है, कौन सा प्राइमरी की होगा, कौन सा किस में आप एक टेबल में कौन सा कैरेक्टर डालने वाले हैं या नंबर डालने वाले हैं, या आपको जो टेबल है उसको तोड़ना है दो भागों में, नॉर्मलाइजेशन करना है, DDL से होगा। तो क्रिएट टेबल यानी टेबल क्रिएट करना है, टेबल को ऑल्टर करना है, चेंज करना है तो ऑल्टर करेंगे, टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल। तो टेबल लेवल की लैंग्वेज है आपकी DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऐसी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट क्या है, अब आपके पास टेबल है, इसके डेटा को आपको एक्सेस करना है और इसको मैनिपुलेट करना है। जैसे मान लीजिए आपकी एज 23 हो गई थी और आप बोलते हैं मेरी एज तो 15 है या 16 है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तो इस रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, इसको मैनिपुलेट करना। तो मैनिपुलेशन मतलब ये हो सकता है कि आप टेबल से कुछ चीज डिलीट कर रहे हो, रिट्रीव करने हो या मॉडिफाई कर रहे हो एग्जिस्टिंग डेटा को। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स है वो DML, क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं आप, यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल के लेवल पे काम कर रहे हैं, यहाँ आप टेबल के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के कमांड्स को या स्टेटमेंट को हम कहेंगे DML स्टेटमेंट। जैसे आप सिलेक्ट करना है आपको एक रिकॉर्ड तो सिलेक्ट होगा, अपडेट करना है कोई रिकॉर्ड तो अपडेट, कोई ये पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट करनी है या पूरा अपडेट करना है, डिलीट करना है ये रिकॉर्ड अब काम का नहीं है, या इंसर्ट करना है, एक नया रिकॉर्ड डालना है, कोई किसी का नया एडमिशन हो गया तो स्टूडेंट टेबल में डालना है आपको, ये सारे आपके डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है।